विलायत जनाब से अफजादा पीर सैयद अफजाद शाह साहब तशरीफ लाए अपनी तरफ से और आज की तजीम शाहपाक की इतलामे की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। एक मरतबा आवाज में अपने बेटे के सुबूत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकी नारे हैदरी नारे गौसी माशाल्लाह बड़ी खुश भक्ति है क्या आज तकरीबन तीसरी चौथी बार चौनों में हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मुबारकबाद पेश करता भाई मोहम्मद इशफाक साहब और दीगर इंतजामिया जिन्होंने अपनी प्यार मोहब्बत भरी अदामा के नाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के पाक मजलिस का इनकाद किया। दुआ करने अल्लाह ताला इन्हां दा महफिल सजाना साडा सब का आना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। टाइम बहुत मुकसर है मेरे नाल माशाल्लाह बड़ी खुशबक्ति दुनिया ने काबत काजी नाम जनाब आबद हुसैन सयाल साहब के छोटे भाई अली रजा हरूनी साहब तशरीफ पर लाए मेरे साथ। मैं बड़ा ही मशहूर हूँ इनका और बस आते हैं वही जिसको जिन्हों सरकार ने बुलाया बेशक ऊंची आवाज ना बोले आते हैं वही जिसको और जरा नारा रिसालत हाथ उठा के जरा नारे का जवाब देना है। नारा रिसालत आओ दुरूद पाक बिला वकील बिला तमहीद पेश करके अपनी हाजिरी मुख्तसर पेश करके जाना चाहूंगा। एक बार स्टेज तो लेके पंडाल तक अपनी फर्द तक मिलके बावा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अली भाई मौसम तो एक शेर बड़ा प्यारा अली पाक की विलादत भी है जिन्हों विलादत की खुशी है हाथ उठाओ जरा एक मैं नारा लाना है गज बज के इंज का जवाब देना जेड़े लोग अगले तक घर भी बाहर आ जाए आ रहे हैं जोश दे नाल बैठना है इस तरह बैठना है कि लोग की तुहानू पागल ते कमला आशिक हैं हाथ उठा के जरा से गज गज के सुभान अल्लाह। मौसम भी सुहाना है कोशिश करेंगे ज्यादा इसे मौजू तेरा गल गल पुशरों दे अगला जुमला सोला 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 गल गल दे खुश हो अली अली
कोई भूल दे गली हो वे एक दो शार जो मैं हम पेश करांगा मिल के अल्लाह के जिक्र इन शामिल होना है कि दिलों के जंग दूर कर लेने हाथ उठाओ जरा एक मिनट हाथ उठा के सामने की कहना है अल्लाह कर दे करम 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 रब साया कर 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 करम रब साया मेरी छोली भर गए मौला मेरी छोली भर गए मौला मेरी छोली भर गए मौला मैं तेरे दर पे आया साया रब 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 साया सदा हसन हुसैन दा माला चोली दे विच पा दे चोली दे विच पा दे धरी तो खाली कोई ना जावे ऐसा रंग चढ़ा दे ऐसा रंग चढ़ा दे तेनू वासी आयुष सोहणे दा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हमारी खुशबख्ती कि आज की सजमुशात अपने पाक में जिस हस्ती की सदारत थी पीर तरीकत रहबर शरीयत आफताब हिलायत आल नबी औलाद अली जनाब साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब खानवाल से तशरीफ लाए अपनी तरफ से और आज की सजमुशात में अपने पाक की इंतजामी की तरफ से खुश आमदी कहता हूँ तमामी बाब बाबाजमत अपने बैठने का सबूत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत मेरे पीर दी हरदम आपने कहना खैर होगा मेरे पीर दी हरदम मेरे पीर दी हरदम मेरे पीर दी हरदम नारे हैदरी नारे रोशिया जश्न ईद मिलादत नबी सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदर सुभान अल्लाह पता ही
गवाह मदीने की हर एक गली है, गवाह मदीने की हर एक गली है, जिधर भी देखो अली अली है नारे हैदरी नारे गौसिया जश्न ईद मिलाद। माशाल्लाह अल्लाह ले आए ने एक हाथ उठा के अल्लाह का जिक्र इंज करना है कि सारे खुश हो जाए। हाथ उठा के सामने की कहना है अल्लाह 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 एक दुआ एक दुआ मेरे बुजुर्ग फरमांदे रहे बीबी पाक फातिमा तुज़ाहरा सलाम अल्लाह दा वास्ता पा दिता जावे ना रब दुआ नहीं बोलदा मैं दुआ मंगनी तुसी हाथ उठा के कहना आमीन। रब साया अली पाक की बारगाह में चलने बड़ा खूबसूरत कलाम सैयदा दे।
अक्सर हाजरी पेश करना क्योंकि मैंने पता है बुजुर्ग भी महफिल में बैठे ने इतनी मुनासिब भी नहीं क्योंकि नबी पाक का जिक्र सारी रात सारा दिन भी करते रहिए जिक्र नहीं खत्म होना। अब मैं बिला तकीर अगे अपना कलाम सेकंड लास्ट कलाम पेश करना बड़ा खूबसूरत अली बर का जमाने ते कोई पीर भी था मैनो अली बर का जमाने ते कोई पीर भी था मैनो अली बर का जमाने ते कोई पीर भी था मैनो अली बर का जमाने ते खूबसूरत शेर पेश कर रहे हैं उस तो कबल एक नारा लाओ मैंने पता लगे अली वाले बैठे नारा है अली बर का जमाने ते कोई पीर दिखा मैनो अली बर का जमाने ते कोई पीर दिखा मैनो अली बर का जमाने ते कोई पीर दिखा मैनो पेश करना घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया Bye.
करके पाया गाजी उमर अली के पाया गाजी पैर करके पाया गाजी हर अली के आया गाजी पैर करके पाया गाजी हर अली के आया गाजी पैर करके आप दुनिया से तशरीफ ले आए शायर ने लिखा कौन कौन खुश होया सुनो घर अली ले आया गाजी पैर घर के पाया गाजी अज दिजादे रसूल खुशी है अज दिजादे रसूल खुशी है क्योंकि जादे बतूल खुशी है रसूल खुशी है क्योंकि जाते बदौल खुशी सेहरा कमिया गाया गाजी सेहरा कमिया गाया गाजी करते ते पाया गाजी सेहरा कमिया फेरा निशान आए पाकी से नबी तबादी आए लेके बखेरा निशान आए धोती अखनों फसाया गाजी पैर धरते पाया गाजी अरे अली ने आया गाजी पैर धरते लिखा सोना लगता है चेहरे के मुस्कुराहट होगा मोमेंट मुनाफिक की पहचान करनी हो तो जिक्र नहीं छेड़ो सारे इतने जिक्र अली बैठे हो हाथ उठा के जरा मुझे कोई पता लगे सारे अली आले कितने खुश बैठे ने हाथ उठा के सामने की कहना है सोना लगता है अली वाला 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 किसी मिजाज बिछा किसी मिजाज बिछा सुने ले अयो भजदा अली वाला अयो भजदा अली वाला अयो भजदा अली वाला अगर इजाजत दे क्योंकि दिल मने दी गल होती है हजरत अली रजी अल्लाह ताला ना दे तेरा रजब का महीना भी है रजब शरीफ का मैं चाहता हूं एक कलाम में जरा खड़ा होके जरा सारे एक बारी मिलके पढ़ लिए एक मिनट ली सिर्फ दो शेर ने सब ने खड़े हो जाना अली पाक की बारगाह के सब ने खड़े होके अली वाले ने की कहना है हां सुन लगता है अली वाला सुन लगता है सुनी ले
बोलो सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला हैदरी ओ लाल मेरी पत्ती रखिया बला जुल लालड़े जीतड़ी दा सेवन दा सखी शाबास कलस दे तमादम मस्त कलस दे तमादम मस्त कलस दे तमादम मस्त कलस दे तमादम मस्त कलस दे जलंधर मामनु पीरा बचड़े जेवे मामनु पीरा बचड़े जेवे पैनानु दे में वीर मला जुले लाल जिदड़ी दा सेवड़ दा सगी शाबास जलंधर तमादम मस्त जलंधर तमादम मस्त जलंधर तमादम मस्त जलंधर सुभान अल्लाह कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अब जो अली वाला बैठा है एक हाथ आवाज बुलंद अपने बैठे का सबूत दे एक हाथ तो बाहर निकाले तो आवाज बुलंद कहे सुभान अल्लाह। उसी बात को आपके सामने आगे ले के जा रहा हूँ कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अली शुल मौला कि जिस चीज का मैं मौला उस उसका अली मौला। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है चौथे बिस्तर पे या सारे चले जाना या फिर सुभान अल्लाह आपको कहना पड़ेगा अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है और अली का बुख्स तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है और अली का बुख्स तो चेहरा बिगाड़ देता है उसके जिक्र को इतना समझ रहा है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है क्योंकि अली बनना मुश्किल बनाना और भी मुश्किल अली बनना मुश्किल बनाना और भी मुश्किल न
नई सारा नया काबा नहीं बनता। और ये बात याद रख के अकीदत की बात है, इसी बात का लकब ही राह की जात है। तो सख मुनाफिकों की इबादत का है चाहे, तो सख मुनाफिकों की इबादत का है चाहे। अरे जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। कि या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे नाम से इस्लाम अच्छा लगता है। जाली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे नाम से इस्लाम अच्छा लगता है। लोग कहते हैं मुझे काफिर, तेरे इश्क में इल्जाम अच्छा लगता है। आल से अगर वफा करोगे दुनिया तुमसे वफा करेगी, आल से अगर वफा करोगे दुनिया तुमसे वफा करेगी। दिल में गमे शबीर होगा पाक सहरा दुआ करेगी, दिल में गमे शबीर होगा पाक सहरा दुआ करेगी। और छोड़कर सारे झूठे रहबर चले आओ अंबर अली के दर पर, इमाम घर बू तुराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी। बू तुराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी। क्योंकि आल से अगर वफा करोगे दुनिया तुमसे वफा करेगी, दिल में गमे शबीर होगा पाक सहरा दुआ करेगी। छोड़कर सारे झूठे रहबर चले आओ अंबर अली के दर पर, इमाम घर बू तुराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, विलाद मुस्तफा जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। आइए बिला तखीर व तमीद अदीनात के लिए नाबे मोहतरम मोहम्मद जैद हुसैन अतारी साहब से इसका माश गूँ कि वो करीम आकर की बारगाह में हदयात पेश करने की सादा हासिल करेंगे। आप तमाम ही बाप अपने बैठे का सबूत देंगे, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जिसको अल्लाह ने ज़ुबान दी है और ज़ुबान में ताकत दी है, बाबा से बल्द अपने बैठे का सबूत देंगे। नारे तकबीर, बाबा से बल्द नारे तकबीर, बहुत बुलंद नारे तकबीर, गाइए उसे गीत गाइए, नारे री साल, नारे री साल, नारे तहकी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईदे मिलादुन नबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा बानियान महफिल जिन्होंने माशाल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी महफिल के इनेकाद किया। दुआ करते हैं अल्लाह पाक बानियान महफिल के इल्म में उम्र में रिज़्क़ में बरकतें उसे तौसीफ़ फरमाए। और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारा पढ़ना आपका सुनना पाक बारगाह में कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना। इस ईमान इस यकीन इस अकीदे के साथ पढ़े कि हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों साल। क्योंकि खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद उन पर न कर गफलत, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इस ईमान इस यकीन इस अकीदे के साथ अवल से लेकर आखिर तक कोई ज़बान खामोश न रहे, सरकार की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या आखिर तक कोई जबान खामोश न रहे, अल्लाह ने जबान दी है बुलंद आवाज से, कोई जबान खामोश न रहे, मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
رسول اللہ وسلم علیک یا चर्चा करा कोई जबान खामोश न रहे मिलके जो है अल्लाह की बारगाह चो करम मंगना की मंगना है करम नारा तकबीर मिलके कर दे करम रब साया औलाद करीना
का मौला के बिछड़े हुए तू यार मिलावे टूटे दिल को जोड़े टूटे दिल को जोड़े मेरे जय बलकारा नो मौला सीते रस्ते मोड़े सीते रस्ते बुलंद आवाज़ थोड़ी आवाज आ जाए कौन सी महान अल्लाह मिलके पढ़ो कर दे करम रब साया कर दे करम रब साया सरकार दिशान चंदा शार पेश कर रहे हैं और हक भी यही बनता है कि हम तो बाद नात होनी चाहिए खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जबान खुदा ना करे की मनकबत पढ़ेंगे औलिया की मनकबत भी पढ़ेंगे लेकिन जो है हमद के बाद नात की बारी बनती है आइए एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मिलकर जो है दुरूद पाक पढ़ लीजिए कि मज़र अल्लाह दी जात दा अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा सोना आप सरकार तो वद कोई नहीं ओ जड़ा ओ से बेब चो ऐब लंबे ओदे नाल दा होर और तद कोई नहीं कसम रब दी हमारी खुश वक्ती है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आले नबी की ज़ियारत का मौका हासिल हो रहा है और आलिम बा अमल उनकी ज़ियारत का मौका हासिल हो रहा है तमाम ही अहबाब तशरीफ़ रखें नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद सोने की आमद मरहबा मुस्तफा मरहबा मरहबा शेर सुनो के मसर अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा 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 सोना आप सरकार तो वद कोई नहीं
शेर की तरफ तवज्जो रखो कि जो शेर पढ़ा जा रहा है समझो पढ़ा की जा रहा है सुनो कि मजर अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा सुना आप सरकार तो वद कोई नहीं ओ जेड़ा यो हुसैन बेऐब चो ऐब लबे ओदे नाल दा और मुर्तद कोई नहीं और कसम रब दी अजमल हद कोई पर कमरी वाले दी शान दी हद कोई नहीं हर शहदी अजमल हद कोई पर कमरी वाले दी शान दी हद कोई नहीं ते आका दिया मैं पिला सजाण वाले ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਸਾਲਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਜ مولائے حسین کی بارگاہ شیر کو سبحان اللہ کے صدقے حسین جاوا او تیری ذات تو صدقے حسین جاوا تیری ذات تو ایسے تے قرآن نو سنا سبحان اللہ صرف او تیرا میرا نہیں صرف او تیرا میرا نہیں صرف او تیرا میرا نہیں بلکہ پیرا افضل گل جہاں سے گرانہ حسین کا اب جو حسینی بیٹھا ہے ایک ہاتھ اب آواز بلند کرے اب آواز بلند سبحان اللہ کہ افضل گل جہاں سے گرانہ حسین کا افضل گل جہاں سے گرانہ حسین کا افضل گل جہاں سے گرانہ حسین کا
नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है, नाना हुसैन का अफजल है कुल जहां से, घराना हुसैन का और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हकूमत यजीद की, अरे सबिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सबिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सबिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। कि मेरे करीमा का रजपाला का सदमे में है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। फिर शायर का ख्याल सुनिए कि तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुष्प मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुष्प मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुष्प मेरा हुसैन बैठा है। क्योंकि अदाबे मुस्तफा पे शरीयत खड़ी रही, दरवाजे बतूल पे रहमत खड़ी रही, अदाबे मुस्तफा पे शरीयत खड़ी रही, दरवाजे बतूल पे रहमत खड़ी रही, सजदे में थे रसूल तो पुष्प पे हुसैन, हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही, हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही, हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही, हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही। क्योंकि लौ पर कलम चली तो वो तहरीर बन गई, खुदा ने जो भी चाहा वो तकदीर बन गई, कुर्बानियों का लफ्ज जिस जगह भी लिखा गया बेसाख्ता हुसैन की तस्वीर बन गई, बेसाख्ता हुसैन की तस्वीर बन गई, बेसाख्ता हुसैन की तस्वीर बन गई। जो हैरतों में डाले वो कहानी कैसी, जो हैरतों में डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी, मेरे हुसैन मुझे अर्जे कर बला की कसम, और जो तेरे काम आए वो जवानी कैसी, और जो तेरे काम आए वो जवानी कैसी। आई बिला के खिर तभी हदिनात के लिए जनाबे पीर गुलाम मुर्तजा शाह साहब से इस्तमास को फिक्री माका की बारगाह में हदिनात पिशकर के साथ हाथ करेंगे। आप तमाम बाबा अपने बैठे के समुद्र के नारे तकबीर, बाबा आजम के नारे तकबीर, कोई हक खामोश के नारे तकबीर, नारे रिसालत बाबा आजम के नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न सीधे मिलाद। दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए आज
हजरत मोहतरम इंतजाम के हुक्म के मुताबिक सलाम तमाम दरअसल की बारगाह में जो कर पेश करें कई जुबान को रोशन रहे खूबसूरत कलाम मेरी हया